बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं गोभी गोश्त तैयार कर रही हूँ। आपको बता दूँ कि मैं बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है, आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले मैंने फ्लेम पर प्रेशर कुकर रखा है और आपको बता दूँ कि ये मैंने बीफ लिया है, हाफ के जी। बीफ हो या मटन हो, सेम रेसिपी से आपने तैयार करना है। हाफ के जी बीफ, पानी 2 कप, बड़े साइज का एक प्याज लिया है, अब ये इसमें डाल देना कट करके। टमाटर 3 अदद दरमियाने साइज के, लहसुन के जवे 6 से 7 अदद, साबित गरम मसाला, साबित गरम मसाले में दालचीनी का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 से 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली मिर्च 10 से 15 अदद और जीरा 1 टीस्पून, ये डाल देना। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अब इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम को बंद करी और इसमें से स्टीम को निकलने देना। इसे 25 मिनट हो चुके हैं और पानी खुश्क हो चुका है, अब इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेना है। अब यहां पर इसमें 1/2 कप दही का अच्छी तरह से फेंट के इसमें डाल देना है। बता दूं कि मैंने हरी मिर्च ली है 4 से 5 अदद और जिंजर का टुकड़ा लिया है 2 इंच का और इन्हें दोनों को चॉप कर लिया, अब ये इसमें डाल देना है। धनिया डाल देना है 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ, कुटी लाल मिर्च डाल देनी है 1 टेबलस्पून, अब दही के पानी को खुश्क होने तक इसे पकने देना है। इसमें जो मैंने दही ऐड की थी उसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अब यहां पर इसमें ऑयल डाल देना है 1/2 कप ऑयल। अब इसे 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक भून लिए, अब यहाँ पर इसमें गोभी ऐड कर देंगे। गोभी का आपको बता दूं कि मैंने लिया है 750 ग्राम और इसे इस तरह से काट लिया है, आप अपनी मर्जी से कटिंग कर सकते हैं, बारीक रखना है बारीक रखें, अगर इसे मोटा मोटा काटना है तो मोटा काट लें। मिक्स करने के बाद अब आपको बता दूं कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसे दम पर तैयार करना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम दे देना है। बहुत जबरदस्त ये गोभी और गोश्त तैयार हो चुका है, अब यहां पर इसमें हरी मिर्च डाल देनी है 6 से 7 अदर, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया और मैंने इसे बारीक बारीक इस तरह काट लिया, ये डाल देना। हरा धनिया कटा हुआ 1/2 टीस्पून, गरम मसाला,
अब इसे तेज फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक भून लेना। अब गोभी और गोश्त को मैंने 5 मिनट तक भून लिया, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देना और इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे सर्विंग प्लेट में डालेंगे। गोभी गोश्त के साथ इस तरह से गरम गरम चपातियां तैयार करें। लीजिए, गरम गरम बहुत ही मज़े का गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगेगा। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।